सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और अभी से ठीक 12 घंटों के बाद होने वाला है न्यू ईयर्स ईव इन सिडनी। तो हम लोग जाएंगे हार्बर ब्रिज, वहाँ पे जो फायरवर्क्स होता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो वैसे तो सुबह को लोग 6 बजे से निकल चुके हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग हो चुके हैं लेट, जल्दी से निकलना पड़ेगा। रेडी हो चुका हूँ मैं, ये देख लो। और ये है अपना कुछ आउटफिट आज का, ऐसा लग रहा हूँ मैं। ये अपनी ड्यूक 200, इसको लेके अभी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे पार्किंग इशू, रोड क्लोजर्स, बहुत कुछ झमेला है और वैसे भी जगह नहीं रहती है पार्क करने की। तो इसीलिए इसको दोस्त के घर पे ही छोड़ दूंगा। चलो गाइस, पहुँच गए दोस्तों के घर, देखते हैं क्या चल रहा है। ओ भाई, इधर पे तो यहाँ पे तो खाना वाना बनाया जा रहा है पूरा। पूरे बॉय एकदम रेडी है आज तो। आज रेडी है, खड़े होने के लिए। सुबह जाना था 6 बजे। 6 बजे और अभी बज रहे हैं, अभी बज चुके हैं कितने, 1 बजे बज गया है। तो अभी बहुत मुश्किल सा लग रहा है हमें कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, बट हम पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट। देखो यहाँ पे अभी जहाँ पे तो जो भी लोग पहुंच चुके हैं ना, वो लोग ने अपना घर बसा दिया, लिटरली एकदम प्रिपेयर हो गए क्योंकि 12 बजे रात तक हम लोग को रहना है वहाँ पे। तो खाना वाना सब कुछ रेडी करके ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे लाइन होगी, भीड़ होगा। तो घर से सब कुछ रेडी होके, मैट वैट लेके, सब कुछ अच्छे से एकदम कम्फर्टेबल होकर जाएंगे। चलो पहुँच गया बस स्टॉप, यहाँ पे खाने का जुगाड़, सोने का जुगाड़, नहाने का जुगाड़ नहीं है ना भाई, साबुन मिलेगा नहीं तो वो भी हो जाता भाई। सही है, अभी बस आने वाली है इन 2 मिनट्स, लेट्स वेट। भाई के लिए हमने जो पापड़ बेले हैं वो हमारी पूछते तक याद करेंगे। और हमें 6 बजे जाना था, और आपको लग रहा है क्या पता 5 बजे रहेंगे मौसम के हिसाब से, बट एक्चुअली 1:30 बजे रहे। पूरी खाली बस है, सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं सिटी में, अभी यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे सर्कुलर की। हार्बर ब्रिज का व्यू देख रहा है, अपने को भी उधर ही जाना, जो भी फायरवर्क्स होता है ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के ऊपर ही होता है। अभी जो है अपना टास्क ये है कि कुछ अच्छा सा जगह देख ले खाली सा, वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर डाल देंगे, उसके बाद घूमते रहो आराम से। पर ये जो रौनक होगी देखने लायक होगी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए। ये देखो फेरी चल रही है। This one closes at 11 p.m. All once capacity is reached. No pass outs available. यार लाइन देख लो कितनी ज्यादा लग गई यहाँ पे तो। ये ओपेरा हाउस वाली एंट्री है। तो भाई पूरा दुर्गा पूजा पैंडल की तरह लाइन है इधर पे पीछे तक। एंट्री मिल जाए। ये एंट्री तब बंद हो जाएगी जब कैपेसिटी एकदम फुल हो जाएगी उसके सर पे। इसने भी कैमरा आगे वाले के सर पे रख दिया यार। मैंने देखा है, गलती हो गई। ओ भाई, पैर रखने की जगह नहीं हो रही इधर तो। पेंगुइन की तरह चलना पड़ रहा है मुझे तो। ओए मिल गए एंट्री, ओए मिल गई एंट्री, अरे हमारा सिलेक्शन हो गया। ओए ये क्या हो रहा है,
बढ़िया यार। चारों तरफ लोग ही लोग, भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा यहाँ पे। मेरे दोस्त कहाँ चले गए? अभी पुलिस ने किसी की वहाँ पे पूरी की पूरी दारू की पेटी उठा ली है, क्योंकि वो ग्लास की थी। दारू अलाउड है बट ग्लास में दारू अलाउड नहीं है। ग्लास मतलब कि ग्लास बॉटल। अरे भैया भीड़ आनी रुकी नहीं रही है यार, अब कहाँ जाएंगे लोग। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग को जगह मिल गया यहाँ पे। मिला क्या, बनाना पड़ा। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक लाइन करके मैट्स आगे बढ़ रही है। अब बस इतना सा जगह बाकी है। यहाँ पे हम लोग पिछले कितने घंटे से बैठे हैं भाई? हमें यहाँ पे लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे से बैठे हैं और यार अब तो कमर पैर की बैंड बज रही है यार। बीच बीच में तो मतलब चल के जाना पड़ता, मतलब बीच बीच में तो ऐसे चलने चला जा रहा हूँ, थोड़ा राउंड मार ले रहा हूँ तो थोड़ा बेटर लग रहा है, बट बैठे बैठे यार कमर मेरे को लगता नहीं उतना उसे तेरी आवाज़ आ रही होगी। रुक जा अभी यहाँ पे कैपेसिटी एकदम फुल है, खचाखच भरा हुआ है। 2 मिलियन लोग होंगे यहाँ पे पूरे इस सर्कुलर के एरिया में, सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने। मौसम अच्छा होके रखा हुआ है, एटलीस्ट धूप नहीं आ रही। चलो भैया हल्की हल्की बारिश आ गई यहाँ पे, अब सबके छाते निकल रहे। देखो ओ यार मैं तो लेट गया हूँ यार, 5-6 घंटे से बैठ के अब कमर की बैंड बज गई थी। यहाँ पे ये ब्लैंकेट बिछाया और ओपेरा हाउस के सामने बस लेट गया। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग लेटे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है। अभी शाम के 8 बज चुके हैं, 4 घंटे बाद होगा, तो लेट्स वेट। तो यार मैं तो मस्त नैप ले लिया 1 घंटे, अभी उठ के देखता हूँ तो पूरा अंधेरा हो चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार ये जगह। वहाँ पे शिप्स खड़ी है, लाइट जला दी हम लोगों ने भी, और वो हार्बर ब्रिज देखो, लाइट जल गई है हार्बर ब्रिज पे। ओए होए कितना सुंदर लग रहा है यार, माँ कसम। ओ भाई साहब माई गॉड। तो गाइस ये अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, और जो ये आवाज है ना ये गूंज रही है लिटरली, ऐसा लग रहा है तोप फायर कर रहे हैं। सही में यार हमारा ग्राउंड जो है वो शेक हो जाता है हर एक बेस है यार पटाखों में। वाओ यार 12 बजे क्या ही होगा यार, सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा ग्राउंड कैसे फील हो रहा है हर एक उसमें। आपको भी आ रहा होगा यार वो बीट, टंग 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 कर रहे हैं। नाइस, मेरी नींद भगा दी यार इस बार। होते ओए भाई शेक। अमन 8 मिनट्स टू गो, 11:53। Team, 12, 11, 10, 9, 8.
and Happy New Year. Happy New Year to everyone, every viewer watching this. Yes. It's been a great year for us. For us, yeah, for sure. Very lots of love from Australia, lots of love from Sydney. Yeah. तो अभी मेन जंगोजहद ये है कि अभी अपने को यहाँ से घर जाना है और बहुत ही कुत्ते की तरह भीड़ होने वाली है। आप ये देख लो कि पूरा का पूरा क्राउड जो है वो एक साथ घर जाएगा। देखो यार क्राउड, देखो यार आप लोग अभी कितने लोग जा रहे हैं, सब निकल रहे हैं यहाँ से अभी। बट भाई साहब क्या फायरवर्क था भाई, ऐसा फायरवर्क मैं लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। मतलब इतने कितने मिनट तक चला, 8 मिनट ना, 12 मिनट चला है पूरा, 12 मिनट तक चल रहा था। ये देखो भाई, ओ भाई भीड़ देखो, मत जाना। मैं मिलता हूं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।